सो हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं नितिन शर्मा सर, जो कि फाइन प्रिंट्स एंड साइंस के ओनर हैं। फाइन प्रिंट्स एंड साइंस डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक सक्सेसफुल बिजनेस है, और नितिन सर और उनका बिजनेस काफ़ी अलग अलग सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बिलबोर्ड्स, बैनर्स, इनविटेशन कार्ड्स। तो हर एक स्किल ट्रेड्स, रियल्टर्स और इंडिविजुअल बिजनेस को काफ़ी हेल्प करते हैं। सो आज हम उनसे बात करेंगे उनके बिजनेस के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में, उनको ये बिजनेस का आइडिया क्यों आया उसके बारे में। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। हाय नितिन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डूइंग दिस वीडियो। इट्स माय प्लेजर। अब मैं 2016 से फाइनेंस स्टार्ट किए, तभी से लेके डे बाय डे हम ग्रोइंग कर रहे हैं, और आज मार्केट में वन ऑफ द मेन जो फाइन प्रिंटिंग कंपनीज है, प्रिंट कंपनी, साइन कंपनी, उनमें हमारा नाम आता है। That's right. मतलब इजीली लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं, अभी काफी अच्छा नाम हो गया है। So, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस बिजनेस का आइडिया कैसे आया? ये लगा कि मार्केट के अंदर स्कोप बहुत है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सिटी आपको मालूम ही है, बहुत बड़े सिटी बन गया है, यहाँ पे नए प्लाजा आ रहे हैं, नए बिजनेस खुल रहे हैं, तो हमें लगा कि स्कोप बहुत है और हम लोग अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग जो सर्विस है, यहाँ पर रोज नया कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी नई नई चीजें इन्वेंशन होती है, नई नई तरह के साइन हम बना के देते हैं कभी कोई, तो हमने ये सोचा कि हम हेल्प कर सकते हैं, लोगों के पास ऑप्शन कम है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो ये सोचा था, तो जो कि आज सक्सेस भी है, तो हमें लगा कि ठीक डिसीजन था। हम नहीं, सही बात है, आप 14 इयर्स से इस बिजनेस में हैं और प्रिंट मीडिया ओवर द इयर्स बहुत ही अच्छा इवोल्यूट हुआ है, राइट? जब आपने स्टार्ट किया होगा तब प्रिंट मीडिया ही मेन सोर्स होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन अभी अभी की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया भी काफी यू नो यूजफुल हुआ है, काफी यू नो इम्पैक्ट बड़ी है डिजिटल मीडिया। तो ऐसे मार्केट में एज कम्पेयर टू डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया कैसे यूजफुल हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? डिजिटल मीडिया ग्रो हो रहा है बिकॉज सभी लोग अपने गैजेट के थ्रू देखते हैं, मतलब वो इजी टू अप्रोच वो भी है, बट जैसे हम बाहर निकलते हैं तो निकल रहे हैं, हमें डिजिटल मीडिया हमेशा हमारे हाथ में ऑन द वे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम जा रहे हैं तो हमें समटाइम्स साइंस से भी हेल्प मिलती है। हम आपने फाइन प्रिंट ही देखना था, डिजिटल मीडिया के थ्रू आप मैप करके तो आ सकते हैं, बट जब आप प्लाजा में आओगे तो आप जब साइन लगा होगा या फ्लायर या फ्लैग कुछ भी है, तो उसकी जानकारी से आप अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो भी है डिजिटल मीडिया एक डिफरेंट थिंग है, प्रिंट मीडिया कभी भी ना खत्म होने वाली चीज है। जैसे हम रोड पे जाते हैं, वैन है, ट्रक है, जितने भी स्कूल, ड्राइविंग स्कूल लगा लो, ट्रेड स्किल ट्रेडमैन हो गए, इनकी अपनी गाड़ियां जैसे रोड पे चलती हैं, इनको पता है कि हम आज 300 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, 200 चलनी है, तो इनका अपने सर्विस को दिखाने का, अपने कॉन्टेक्ट नंबर लोगों तक पहुंचाने का प्रिंट मीडिया से बढ़िया कोई जरिया नहीं है, तो वो सबको चाहिए चाहिए। और अगर हम आपकी अलग अलग सर्विसेज की बात करें तो आप जैसे स्किल ट्रेड्स और इंडिविजुअल बिजनेस कार्स पे अपनी साइंस लगाने में हेल्प करते हैं, रियल्टर्स को उनके बिलबोर्ड्स और उनके पैम्पलेट्स लगाने में हेल्प करते हैं, इनविटेशन कार्ड और वो सब भी आप लगाने में, राइट? सो रियल एस्टेट मार्केट जो यहाँ पे बहुत ही इम्पैक्टफुल मार्केट है, उसमें आप क्या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? रियल एस्टेट के सारे जो भी उनको बेसिक चीजें चाहिए, जैसे उनके फ्लायर्स हैं, घर जो सेल करते हैं उनका पूरा प्लान होता है, बुकलेट होती है, बुकलेट हम प्रिंट करते हैं, बिजनेस कार्ड हो गए, उनके फॉर सेल के साइन हो गए, सोल्ड के साइन हो गए, हर तरह के जो भी उनके नोट पैड है, उनके प्रेजेंटेशन फोल्डर है, ताकि वो आगे अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर देते हैं तो लोग उनको अप्रोच कर सके, तो एवरीथिंग वी प्रिंट फॉर रियल्टर। Okay. और मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था कि आपका जो बिजनेस है वो अपैरल बिजनेस में भी, अपैरल मार्केटिंग में भी बहुत ही अच्छा इंपैक्टफुल बिजनेस है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? उसमें सभी तरह की, जैसे टी शर्ट्स हो गई, हुडीज हो गई,
कैप हो गई, यूनिफॉर्म, यस, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ट्रेडमैन है, ये सब अपनी कंपनी का लोगो, जो स्टाफ का नेम, वो सब प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो हम सर्विस देते हैं। उसमें आपकी शॉप में देख रहा था, सारी सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, सारी सर्विस, सभी सभी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, स्किल ट्रेड कंपनी हो गई, कोई बड़ी कंपनी हो गई जिनके अंदर उनका लोगो, टी शर्ट, जैकेट, सूडी, सब सभी प्रिंट करते हैं। प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स जैसे उनका नाम और पीछे जो कंपनी का लोगो सब। और अभी बिकॉज डिजिटल मार्केट इतना अच्छा यू नो सक्सेसफुल हो रहा है और डिजिटल मार्केट पेनिट्रेट भी हो रहा है कस्टमर्स के बीच में, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आपकी कंपनी सर्विसेज ऑफर? हाँ जी, हाँ जी, हम करते हैं। उसमें जैसे वेबसाइट में हम हेल्प करते हैं, जैसे कई कंपनियों के ऑनलाइन स्क्रीन मेन्यू चलते हैं, रेस्टोरेंट्स के चलते हैं, तो वो भी हम सब डिजिटल करते हैं। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो CDACC इवेंट है, उसमें जो गरबा इवेंट उनका हो रहा है नेक्स्ट मंथ, उसमें आप एज अ स्पॉन्सर आगे आए हैं, तो क्या रीजन था कि आपको CDACC इवेंट को सपोर्ट करने का मन हुआ? एक तो जो अजय राणा जी है, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों को इकट्ठा एक जगह पे लाना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रिलेशन बनते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे लंबा जुड़े रहने के लिए हम भी हेल्प कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपने एक बहुत ही अच्छा अपने बिजनेस के बारे में बात की, और आई थिंक आपकी सर्विसेज आगे भी लोगों को यूजफुल रहे। थैंक यू।